हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक, और आज का हमारा टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में बात की थी अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फिर हमने बात की थी एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आज हम देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने के क्या डिसएडवांटेजेस हैं या क्या डिसएडवांटेजेस कोऑपरेटिव सोसाइटीज को देखनी पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो, कोई भी सोसाइटी है उसको चलाने के लिए कुछ पैसा चाहिए होगा, तो ये जो पैसा होता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो बेसिकली जो कैपिटल है, जो मनी है, वो कहाँ से आती है कॉर्पोरेट सोसाइटीज में? पहले भी हमने बात की थी कौन लगाता है, मेंबर्स। तो अब यहाँ पे जो पैसा है वो सिर्फ मेंबर्स से ही आ रहा है, और मेंबर्स जनरली कम पैसे लगाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो कैपिटल है, जो पैसा है, वो कैसा रहता है, लिमिटेड रहता है, बहुत कम होता है। तो इनके पास पैसे की कमी रहती है कॉर्पोरेट सोसाइटीज में। So, the resources of cooperative societies consist of capital contribution of members, यहाँ पे members ही पैसा लगाते हैं, जो कि limited होता है, तो इसीलिए जो cooperative societies होती है, उनके पास पैसे की कमी रहती है। अब now the question is कि पैसे की कमी क्यों रहती है? देखो, जैसे कि हमने बात की थी कि cooperative societies का जो motive होता है वो profit नहीं होता, वो क्या होता है, welfare होता है, welfare of members। तो इस वजह से तो कोई भी उसमें पैसा लगाता है तो उसको इतना रिटर्न नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो डिविडेंड है या फिर जो रिटर्न है वो क्या होता है, लो होता है। रिटर्न क्या है, लो। रिटर्न लो की वजह से जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, वो कम पैसा लगाते हैं, और जो बाकी बाहर के पर्सन है वो मेंबर नहीं बनना चाहते, बिकॉज यहाँ पे जो रिटर्न है वो कम है, यानी जो पैसा लगा रहे हैं उसपे जो उनको रिटर्न मिल रहा है वो कम मिल रहा है, इसलिए वो पैसा नहीं लगाते। तो इसीलिए जो कॉपरेटिव सोसाइटीज होती है उनके पास पैसे की कमी होती है। होप दैट्स क्लियर। अब देखो, पैसे की कमी है तो बहुत सारी चीजें अगर उसको करनी होगी तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट इज इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। अब जो कॉपरेटिव सोसाइटीज को रन कौन करता है, कॉपरेटिव सोसाइटीज को रन कौन करता है, मेंबर्स। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि मेंबर्स के पास जो मैनेजर की क्वालिटीज होती है, जो मैनेज करने की क्वालिटीज होती है, वो सारी हो, जो प्रोफेशनल क्वालिटीज होती है, राइट। अब मेंबर्स कर रहे हैं, बट जरूरी नहीं ना कि उनको डिसीजन लेने अच्छे से आते हो। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो कैसी हो जाती है, इनएफिशिएंट हो जाती है, अच्छे से काम नहीं कर पाती, बिकॉज उनको इतने अच्छे से डिसीजन लेने नहीं आने होते। सो द मेंबर्स हु ऑफर ऑनररी सर्विस, जनरली जो मेंबर्स चलाते हैं ना सोसाइटीज को, वो ऑनररी सर्विसेज देते हैं, यानी वो पैसे नहीं लेते वो सर्विसेज के बदले में, तो वो वॉलंटरी बेस पे देते हैं, बट उनके पास उतनी नॉलेज नहीं होती, उतने डिसीजन लेने की उनके पास मतलब पावर कह सकते हैं, मतलब नॉलेज पावर नहीं होती। ठीक है, तो वो मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए जो मैनेजमेंट होती है वो कैसी होती है, इनएफिशिएंट होती है। ठीक है, और अच्छा, अब मैनेजर्स जो मेंबर्स हैं उनके पास क्वालिटीज नहीं है, हमें पता भी लग गया। अब हम क्या करते हैं, बाहर से मैनेजर्स अपॉइंट कर लेते हैं, बट बाहर से अगर मैनेजर्स अपॉइंट करेंगे तो उनको भी हाई सैलरीज देनी पड़ेगी, राइट। और हमने अभी बात की कि कॉपरेटिव सेटिंग्स पे जो पैसा होता है वो लिमिटेड होता है, वो कम होता है, तो ये सैलरीज भी नहीं दे सकते, इसलिए बाहर से मैनेजर्स भी नहीं ला सकते। तो इसलिए यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो इनिफिशियंट ही रहती है, बिकॉज एक तो उनके पास खुद अगर मैनेजर की क्वालिटी नहीं है, और दूसरा अगर वो बाहर से भी चाहते हैं तो उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो बाहर से हायर कर सकते। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो जनरली क्या रहती है, इनिफिशियंट रहती है। होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सिक्योरिटी। देखो, जैसे कि हमने बात की थी कॉपरेटिव सोसाइटीज पे कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है, कॉपरेटिव सोसाइटीज पे एप्लीकेबल होता है कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, राइट। सो यहाँ पे हमें उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही सारा करना पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पे सीक्रेसी नहीं होती, बिकॉज उस एक्ट के अंदर हमें कुछ डिस्क्लोजर्स करने होते हैं, हमें अपने अकाउंट्स या अपनी चीजों को पब्लिक को बताना पड़ता है। तो इसीलिए जो कॉपरेटिव सोसाइटीज में जो बातें हो रही हैं, जो डिसीजन हो रहे हैं, या फिर जो अकाउंट्स होते हैं, वो सीक्रेट नहीं रह पाते, उनको हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ ओपन डिस्कशन इन द मीटिंग ऑफ मेंबर्स, और मीटिंग भी मेंबर्स की ओपन होती है, एज वेल एज डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन और कुछ डिस्क्लोजर होते हैं, तो सीक्रेसी यहाँ पे मेंटेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो कॉपरेटिव सोसाइटीज में सीक्रेसी नहीं होती। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। जैसा कि हमने लास्ट में बात की थी कि जो कॉपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती हैं, अगर पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है तो गवर्नमेंट उनको बहुत सारे इंसेंटिव देती है, लाइक टैक्स कम लगा दिया, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। तो अब देखो, जब आपके ऊपर कोई एक एडवांटेज देता है आपको, साथ साथ उसको कंट्रोल किया जाता है, कहते हैं ना जब आप किसी का एहसान लेते हो तो उसकी उसका वो आ जाता है ना कि एक वो बन जाता है कि हाँ उसका कंट्रोल बन जाता है उस चीज पे। इसी तरीके से जब गवर्नमेंट हमें कुछ इंसेंटिव देती है, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करती है,
तो बदले में वो हमारे ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाने लग जाती है, कुछ रूल्स लगा देती है कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको वैसे करना चाहिए, और गवर्नमेंट इंटरफेयर करने लग जाती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की प्रिविलेज तो मिलती है, गवर्नमेंट बेसिकली हमें सपोर्ट तो करती है, बट साथ साथ गवर्नमेंट कंट्रोल भी करना स्टार्ट कर देती है। सो इन रिटर्न ऑफ प्रिविलेजेस हमें कुछ प्रिविलेजेस मिलती है, लाइक टैक्स की प्रिविलेज मिलती है, कुछ सब्सिडीज मिल जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, बट साथ ही साथ इसकी वजह से ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट कॉपरेटिव सोसाइटीज हैव टू कंप्लाई विद सेवरल रूल्स। अब गवर्नमेंट उसके बाद रूल्स भी लगा देती है, लाइक ऑडिटिंग ऑफ बुक्स हमेशा, बिकॉज देखो अब गवर्नमेंट अगर पैसा देगी वो देखेगी भी तो सही है कि आप सही से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो इससे वो क्या करेगी, ऑडिटिंग बोल देगी, बुक्स को सबमिट करने के लिए बोल देगी। तो इससे क्या होता है कि कंट्रोल आ जाता है गवर्नमेंट का किस पे, हमारी सोसाइटीज पे, और गवर्नमेंट कई बार हम डिसीजन ले रहे थे तो उसमें भी इंटरफेयर करती है। सो इंटरफेरेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। तो अब अगर गवर्नमेंट इतना इंटरफेयर करेगी तो हम अपने जो डिसीजंस है वो ओपनली नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो एक ये डिसएडवांटेज हो जाता है, एक एडवांटेज हो गया, गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, बट साथ साथ इंसेंटिव देती है तो साथ साथ कंट्रोल भी करती है। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन ओपिनियंस। देखो यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और कहते हैं ना दो बर्तन होंगे तो खड़केंगे तो है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं वो मिलके काम करते हैं, बट यहाँ पे उनके बीच में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। तो इंटरनल क्वेरल्स समटाइम्स अकर, बिकॉज कई बार किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ऑब्वियसली हमेशा दो पर्सन होते हैं, उनके एक वर्क मतलब थिंकिंग पावर नहीं होती और एक कहते हैं सोचने का तरीका नहीं होता, तो यहाँ पे उनमें लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अगर लड़ाइयाँ होंगी तो ऑब्वियसली वो किसको इम्पैक्ट करेगा, कॉपरेटिव सोसाइटी को इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस इन ओपिनियन है, तो इस वजह से क्या होता है कई बार डिसीजन नहीं ले पाते सही से, और कई बार कुछ ऐसे डिसीजन जो लेने जरूरी होते हैं वो नहीं हो पाते, ठीक है। सो इंटरनल क्वेरल्स अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रारी व्यू पॉइंट्स में, क्योंकि सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो हो जाते हैं। पर्सनल इंटरेस्ट में स्टार्ट टू डोमिनेट, यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करने लग जाते हैं, और इसीलिए फिर कॉपरेटिव सोसाइटीज अच्छे से काम नहीं कर पाती। होप दैट्स क्लियर। अब कंक्लूड कर लेते हैं इसको, बहुत ही इजी टॉपिक है। फर्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज, कॉपरेटिव सोसाइटीज पे जनरली जो पैसा होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है, पैसे की कमी रहती है, बिकॉज मेंबर्स ही पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, वो कम करते हैं जनरली, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न इतना ज्यादा नहीं होता। नेक्स्ट इज इनएफिशिएंसी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जनरली कौन करता है, डिसीजन कौन लेता है, मेंबर्स लेते हैं, मेंबर्स लेते हैं तो इसलिए उनके पास प्रोफेशनल नॉलेज नहीं होती, और दूसरा अगर वो बाहर से भी मैनेजर्स लेना चाहे तो हमने बात की पहले से ही उनके पास पैसे कम है तो वो बाहर से भी मैनेजर्स नहीं ले पाते। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सिक्रेसी। अब एक्ट के कारण हमें कुछ डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं जिसकी वजह से सिक्रेसी यहाँ पे कम रहती है। गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट प्रिविलेज नहीं देती, साथ साथ क्या करती है रूल्स भी अप्लाई कर देती है। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन ओपिनियन, दो घंटे हैं तो खड़केंगे ही, तो मेंबर्स में हैव क्वेरल्स, उनके बीच में लड़ाइयां हो जाती हैं जिसकी वजह से कॉपरेटिव सोसाइटी जो है वो इम्पैक्ट होती है। होप दैट्स क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।